सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मैं बता रहा हूँ 100% एग्जाम में आता है इनका, तो भाई कोई मना ही नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इनका जीवन परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आज बताने वाला हूँ। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा। देखो, जयशंकर प्रसाद जी एक धनी परिवार से थे, है ना, गरीब नहीं थे, पहली चीज तो समझ लो। और इन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने घर से ही प्राप्त किया, और इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का गहन अध्ययन कहाँ से, ज्यादातर घर से किया। बस सिर्फ जयशंकर प्रसाद जी क्या है, इनका एक बिजनेस था, ये बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना, ये बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिए। इसको आप बना के लिखिएगा, मैं एक बार समझा देता हूँ। तो ये बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिए तो क्या हो गए, ये काफी ज्यादा ऋणी हो गए, मतलब इनके ऊपर काफी ज्यादा लोग का कर्ज हो गया, यानी कर्ज ले लिए थे दूसरे से। तो इसी के चिंता की वजह से इनको सभी चिंताएं ने घेर लिया, तो इनका एक रोग हो गया। कौन सा रोग? क्षय रोग। इनको क्षय रोग का एक कोई बीमारी होता है, वही हो गया। फिर क्या हुआ, इनका देहांत हो गया 1937 में, इनका देहांत हो गया, यानी 48 साल में ये सब कुछ करके चले गए, यानी 48 साल में, ठीक है। अब देखो कैसे याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। कहाँ पे? काशी, काशी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, अब याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम, यहाँ देवी लगा देना तो क्या हो जाएगा, देवी प्रसाद। उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, देवी प्रसाद, आगे क्या लग जाएगा, देवी लग जाएगा, ठीक है। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, इनके पिता जो है एक तंबाकू का व्यापार बहुत तगड़ा करते थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, यानी कि बचपन में ही इनके पिताजी का मृत्यु हो गया, तब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, इसीलिए इनसे घर से हुई। मैंने बोला ना, इन्होंने घर से ही प्रारंभिक शिक्षा किया, समझ आया, कहाँ से किया, इन्होंने घर से ही, इनको, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की घर पर ही। इन्होंने हिंदी उर्दू यहाँ पर है, अंग्रेजी, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे, यानी मतलब दान उन ज़्यादा देते थे, है ना, सरल स्वभाव के थे। इनके बचपन का सुख से बीता, देखो बोला ना, बचपन का सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। ये दान इतना ज़्यादा करते थे, कि इसके कारण ये ऋणी हो गए। भाई आज के युग में कोई करता है क्या, भाई अगर उनके पास होता भी है फिर भी नहीं करते, ठीक है। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अब सोचो कि इन्होंने इतना ज़्यादा ऋण दूसरों को दे दिया, कि ऋण को चुकाने के लिए अपने खेतों को इनको बेचना पड़ा, जो इनकी माँ पिताजी ने बनाया था, सब दादा दादी, तो उनको बेचकर इनको ऋण से छुटकारा मिलना था, तो इन्होंने बेच दिया, ठीक है। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी कि काम में ध्यान ही नहीं दिया, परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़, भाई जो काम नहीं करेगा वो व्यवस्था बिगड़ती जाएगी। फिर चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होकर क्या हो गया, जर्जर होता गया। फिर और अंत में 1937 में, यानी कि 1889 में अगर आप 48 जोड़ लेंगे जो आएगा उसी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनकी रचनाएं देख लो, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार है। देखो, कामायनी बहुत प्रसिद्ध है, कामायनी जो है ट्रेन नाम चलता है एक, तो इनके ही उससे चलता है। इनमें मानव की श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय को संदेश दिया गया है, ठीक है ना, समझ आया। फिर आंसू, आंसू यह प्रसाद जी का वियोग का काव्य है, यानी जो आंसू है ये वियोग का बताया गया है, दुख दर्द के बारे में, है ना। चलो अभी और देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट, झरना, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित है। कौन सी? छायावादी कविता। लहर, झरना हो गया, लहर हो गया, कहानी हो गया। उपन्यास क्या क्या है इनकी? तितली, इरावती, कंकाल। निबंध क्या है? काव्य और कला। तो इसमें प्रसाद जी का छायावादी कविताएं संकलित है, या प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये इनकी कहानी संग्रह है। आई होप आप समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक देखें।